हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे जो जनरल फायर क्लासेस में। आज है 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बारी बारी से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है एक नंबर आपका आज? आज का एक नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय तट रक्षक पोत, ठीक है, भारतीय तट रक्षक पोत वेसल कर्णाकलाता वड़ुआ को कहां तैनात किया गया। ठीक है, किसको? कर्णाकलाता वड़ुआ को कहां तैनात किया गया है, और ये क्या है? भारतीय तट का जो पोत है, ठीक है, तो कहां तैनात किया गया? ऑप्शन है विशाखापट्टनम, कोलकाता, मुंबई और बालासोर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कहां इसको तैनात किया गया है? तो कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में। कोलकाता कहां है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता में जो कर्णाकलाता बड़ुआ जो है उसको क्या किया गया है? तैनात किया गया। ठीक है, ये जो कर्णाकलाता जो बड़ुआ है ये जो है एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम है। ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये कर्णाकलाता बड़ुआ को क्या किया गया है? नाम रखा गया। ठीक है, वो जो थे भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में जब हुआ था तो उस समय जो कर्णाकलाता वड़ुआ जो है सेनानी था, इनको क्या किया गया था? गोली मार दिया गया। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर इस पोत का नाम रखा गया है। ठीक है, आगे दो नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने कृतज्ञ नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से, किस राज्य ने कृतज्ञ नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? किस नामक? कृतज्ञ नामक। ठीक है, ऑप्शन है असम, गुजरात, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, असम राज्य ने कृतज्ञ नामक एक नया पोर्टल क्या किया है? लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये आखिर किया क्यों, किस लिए गया है? तो इसको किया गया है ऑनलाइन पेंशन, जो जितने भी बुजुर्ग व्यक्तियों को पेंशन दिया जाता है तो उनके जो फॉर्म जो भरा जाता है, ठीक है, उससे रिलेटेड इस कृतज्ञ नामक के पोर्ट में क्या किया जाएगा? जांच पड़ताल किया जाएगा। ठीक है, तो उसी के लिए कृतज्ञ नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? तो असम ने। ठीक है, तो असम ने किया है, तो इसका राजधानी कहाँ है? राजधानी है दिसपुर। ठीक है, असम का राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। तो असम है, तो असम का सीएम कौन है? तो सर्वानंद सोनोवाल है, सोनोवाल है। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल है जगदीश मुखी। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल है जगदीश मुखी। आगे तीन नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने पथश्री योजना की शुरुआत की। ठीक है, किस राज्य सरकार ने पथश्री योजना की शुरुआत की? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात और बिहार। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल को दीदी की नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने पथश्री योजना की शुरुआत की, तो पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता है। ठीक है, कोलकाता, और यहाँ के सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी है। कौन है? ममता बनर्जी है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, और ये जो पथश्री योजना है इसकी शुरुआत किस लिए किया गया है? तो जितने भी पश्चिम बंगाल में करीब के लगभग 12,000 किलोमीटर से लेकर के उससे अधिक के जितने भी सड़क हैं उसका मरम्मत किया जाएगा। ठीक है, उसी के लिए पथश्री योजना का शुरुआत किया गया है। चार नंबर क्वेश्चन है कि किस संस्था में WAS वास कार्यक्रम के लिए शुरू की विशेष पुनर्वृत्ति सुविधा। ठीक है, किस संस्था ने वास कार्यक्रम के लिए शुरू की विशेष पुनर्वृत्ति सुविधा? तो आपका ऑप्शन है नाबार्ड, ADB, OIL और NTPC। ठीक है, तो ये जो नाबार्ड है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाबार्ड क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा नाबार्ड ने ही वास कार्यक्रम के लिए एक विशेष पुनर्वृत्ति सुविधा की है। तो ये जो नाबार्ड है ये
इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 1982 में। कब हुआ था? 1982 में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल, RURA, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट। ठीक है, नबार्ड का क्या होता है? ये फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसका स्थापना 1982 में। तो नबार्ड जो है ये क्या है, कृषि जितने भी कृषि है उनको नबार्ड से ही क्या कहता है, ऋण दिया जाता है। ठीक है, नबार्ड जो बैंक है कृषि बैंक है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि कृषि संस्था कौन है, तो आप क्या टिक करेंगे, नबार्ड को। ठीक है, यहाँ पर ADB है जिसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, OIL है तो ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्या? ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, पांच नंबर क्वेश्चन है कि जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुरुआत किसने की। ठीक है, जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरुआत किसने की? ऑप्शन है अर्जुन मुंडा, हेमंत रावत, रमेश पोखरियाल, देसवाल पांडे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा। ठीक है, अर्जुन मुंडा ने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुरुआत किया। ठीक है, तो अर्जुन मुंडा जो है वो केंद्रीय जनजातीय केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, अर्जुन मुंडा जनजातीय केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने ही जो जितने भी आदिवासी लोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका कार्य जो है में आगे बढ़ाने के लिए ये क्या किए हैं, एक विकास कार्यक्रम उद्यमिता विकास जो है इसका शुरुआत किए हैं। ठीक है, किसने? अर्जुन मुंडा ने। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो आइए सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के साथ नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास का दूसरा संस्करण शुरू किया। भारत ने, ठीक है, और नहीं होगा यहाँ पर, ने होगा। भारत ने किस देश के साथ नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास का दूसरा संस्करण शुरू हुआ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश और भारत के बीच नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास क्या हुआ, दूसरा संस्करण शुरू किया गया। ठीक है, तो ये कहां किया गया? तो बंगाल की खाड़ी में। कहां है? बंगाल की खाड़ी में किया गया। ठीक है, उसके बाद सात नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका के किस महिला राष्ट्रीय टीम को टाइम मैगजीन द्वारा, ठीक है, टाइम मैगजीन द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया। ठीक है, एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया। कौन चुना है? तो अमेरिका की महिला राष्ट्रीय टीम को टाइम मैगजीन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है सॉकर, वॉलीबॉल, बेसबॉल और हॉकी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सॉकर। ठीक है, सॉकर टीम को टाइम मैगजीन द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के लिए क्या किया गया, चुना गया। ठीक है, तो अमेरिका है, तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन है? तो अमेरिका राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। ठीक है, आए क्वेश्चन है आठ नंबर कि किसे टाइम मैगजीन ने 2019 का एंटरटेनर ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है, टाइम मैगजीन ने 2019 का एंटरटेनर ऑफ द ईयर चुना है। आपका ऑप्शन है मेलिसा जेफरसन, बिली इलिस, कार्डी बी और मिसी इलियट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेलिसा जेफरसन। ठीक है, मेलिसा जेफरसन को एंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर 2019 के लिए क्या किया है, चुना गया है, नामित किया गया। ठीक है, नौ नंबर क्वेश्चन है कि CRPF दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। ठीक है, CRPF दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो किया गया गुजरात में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। CRPF दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो गुजरात राज्य में हुआ। ठीक है, गुजरात राज्य में हुआ, तो कहां से हुआ? तो साबरमती आश्रम से। कहां से?
साबरमती आश्रम से क्या हुआ, शुरुआत हुआ, ठीक है। और इसमें सीआरपीएफ की 6 महिला इस रैली में थी, कितने थी, 6 महिला सीआरपीएफ से थी, बाकी युवाओं युवा थी। और इसका जो शुरुआत साबरमती आश्रम से किसने किया, तो खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने, ठीक है, किरेन रिजिजू ने साबरमती आश्रम में शुरुआत किया। और यहां से 1000 किलोमीटर, ठीक है, 1000 किलोमीटर साइकिल चला करके, ठीक है, और कितना दिनों में, 16 दिनों में, ठीक है, 16 दिनों में दिल्ली पहुंचा गया, ठीक है, 16 दिनों में दिल्ली पहुंचा गया, कहां से, साबरमती आश्रम से दिल्ली। और किस तिथि को पहुंचा गया, तो 2 अक्टूबर को, ठीक है, और 2 अक्टूबर को क्या था, तो गांधी जयंती था, तो उनके ही उपलक्ष में ये क्या है, आपका दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का उद्घाटन किया गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 10 नंबर कि भारत के किस शहर में टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुरुआत किया गया, ठीक है, भारत किस शहर में टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुरुआत किया गया, ऑप्शन है चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है, भारत के हैदराबाद शहर में टॉयलेट ऑन व्हील्स का क्या किया गया, शुरुआत किया गया, ठीक है। इसमें 3 टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुरुआत किया जाएगा, 3-3, जिसमें 3 पुरुष का होगा, 3 महिलाओं का होगा, ठीक है, जिसमें से पहला जो है शुरू कर दिया गया है, ठीक है, दूसरा और तीसरा भी जल्द ही शुरू किया जाएगा, ठीक है। इसमें पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है और महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था किया गया, ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए 10 क्वेश्चन आपके साथ लेकर के आया था, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो हमारे चैनल को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।